कि आपको जब कभी भी जरूरत हो तो आप पैसे उसे निकाल सकते हैं। तो पैसे को हम बैंकों में रखने के पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ओपन अकाउंट, हमें अकाउंट खुलवाना पड़ता है और उस अकाउंट पर हम वी डिपॉजिट आवर सेविंग अमाउंट ऑन द अकाउंट प्रोवाइडेड बाई द बैंक। बैंक के द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है अकाउंट, उस पर हम लोग जमा करते हैं। वी ऑब्टेन सम इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिटेड अमाउंट इन द बैंक। बैंक में जो हम डिपॉजिट करते हैं, बैंक उस पर कुछ इंटरेस्ट भी देते हैं। और द बैंक प्रोमिसेज अस टू विड्रॉ अकॉर्डिंग टू नीड्स, अपनी जरूरत के अनुसार उसे हमें निकालने की भी अनुमति देती है जब कभी। तो इस तरह के निकालने की वो जो अनुमति देती है, उससे उस तरह के जो अकाउंट खोले जाते हैं उसको डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। उसे डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। हम डिपॉजिट भी कर रहे हैं और जरूरत पड़े तो हम डिमांड भी कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। हम बैंकों में जो पैसा जमा करते हैं उस पर बैंक के इंटरेस्ट भी देती है और जरूरत पड़ने पर हम उसे निकाल भी सकते हैं। तो दैट टाइप ऑफ डिपॉजिट इज नोन एज डिमांड डिपॉजिट। उस तरह के डिपॉजिट को हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। कोई बैंक जहां हम लोग पैसे डिपॉजिट करते हैं, भले ही वो डिमांड डिपॉजिट हो या फिक्स डिपॉजिट हो, किसी डिपॉजिट के रूप में उस डिपॉजिट अमाउंट का बैंक 85% डिपॉजिटेड अमाउंट का जो है बैंक बिजनेस करता है। बैंक यूज 85% डिपॉजिटेड अमाउंट एज मनी लेंडिंग और गिविंग लोन्स टू नीडी पर्सन, जो आवाज़ जरूरतमंद जो लोगों को वो लोन देती है। ओनली 15% बैंक डिपॉजिट एज ए करेंट डिपॉजिट फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विस ऑफ अकाउंट होल्डर। अकाउंट होल्डर को जरूरत की पूर्ति करने के लिए ओनली केवल 15% जो है अमाउंट जो है बैंक अपने पास अवेलेबल रखती है, और जो भी डिपॉजिट जो कस्टमर के द्वारा जो डिपॉजिट किया जाता है उसका 85% डिपॉजिट अमाउंट का बैंक नीडी पर्सन को लोन दे करके वो बिजनेस करती है। नेक्स्ट, डिपॉजिट अमाउंट कैन बी विड्रॉ थ्रू चेक ऑल्सो। ऐसे हम डिपॉजिट अमाउंट को जिसको डिमांड डिपॉजिट के रूप में कहा जाता है उसे जो है हम एक नॉर्मल कूपन से भी हम निकाल सकते हैं। पैसे निकालने का एक पर्ची होता है उसके माध्यम से, और नहीं तो फिर हम चेक के माध्यम से वी कैन विड्रॉ मनी थ्रू चेक। चेक के माध्यम से भी हम मनी को हम विड्रॉ कर सकते हैं। उसमें एक जो है चेक होता है, चेक में अपने नाम और डेट अमाउंट, और जिस व्यक्ति को मान ली किसी व्यक्ति को किसी कोई पेमेंट पे करना है तो हम नगद कैश के रूप में न दे करके हम वी कैन यूज चेक फॉर पेइंग एनी अमाउंट टू नीडी पर्सन। जिसको जरूरत है उसे हम चेक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। चेक एक जो है प्रिंटेड पेपर होता है जिसमें परफॉर्मा बनी हुई होती है, जिसमें हम जो पेयर है जिसको पेड होना है उसके नाम भी लिखे जाते हैं
और कितने अमाउंट देना है, किसको देना है, वो सारे उसमें पर फॉर्म भरे जाते हैं। और इस तरह से चेक सिस्टम के द्वारा भी जो है हम विड्रॉ कर सकते हैं, या डायरेक्ट अपने नहीं बल्कि किसी व्यक्ति को हम पेमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है लोन एक्टिविटी। बैंक्स प्रोवाइड वेरियस टाइप्स ऑफ लोन्स। बैंक जो है विभिन्न प्रकार के लोन भी प्रोवाइड करती है, बट बिफोर सैंक्शनिंग लोन टू नीडी पर्सन बैंक्स डिमांड सम एसेंशियल पेपर्स। बैंक जो है लोन प्रोवाइड करने के पहले, लोन देने के पहले कुछ पेपर की भी मांग करते हैं। बैंक सर्व सम टर्म एंड कंडीशन बिफोर बोरोअर्स, जो कर्ज लेने वाले होते हैं उनके सामने कुछ टर्म एंड कंडीशन भी सर्व करते हैं। अंडर टर्म एंड कंडीशन देयर इज ए वेरी एसेंशियल थिंग कॉलेटरल। बैंक डिमांड ए कॉलेटरल टू बोरोअर से कॉलेटरल की मांग करते हैं। अब यहाँ पर देखना है कि व्हाट इज कॉलेटरल। कॉलेटरल का मीनिंग होता है हिंदी में ऋणाधार, ऋण लेने का आधार ग्राउंड। तो हेयर आई वांट टू एक्सप्लेन अबाउट व्हाट इज कॉलेटरल। कॉलेटरल क्या है? तो हेयर दिस इज रीजन कॉलेटरल इज एन एसेट दैट द बोरोअर ओन्स। कॉलेटरल वह संपदा है जिसे बोरोअर कर्जदार उसको धारण करता है, कर्जदार उसका स्वामी होता है। सच है, यानी कर्जदार की वो अपनी प्रॉपर्टी होती है, जैसे लैंड, व्हीकल्स, बिल्डिंग, लेबर स्टॉक, डिपॉजिट इस बैंकों में जमा राशि, और उसका वो यूज करता है लोन लेने के लिए। वे वो मनी लेंडर और बैंक के पास उसे डिपॉजिट कर देना होता है, और फिर द्वारा लोन को चुकाने के बाद, रीपेड करने के बाद उसको फिर रिटर्न कर दिया जाता है, और यही कॉलेटरल होता है। और तभी जो है कोई बैंक में लोन देती है। यहाँ बैंक के एक है तो फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट सेक्टर है, लेकिन कोई एनी जो इनफॉर्मल सेक्टर में भी कोई प्राइवेट मनी लेंडर भी होता है, वो भी कॉलेटरल की मांग करता है। विदाउट कॉलेटरल एनी मनी लेंडर, प्राइवेट मनी लेंडर डज नॉट वांट टू गिव एनी टाइप ऑफ लोन टू बोरोअर्स। बोरोअर को किसी प्रकार का लोन देना नहीं चाहते। नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट। हम गांव में देखते हैं कि लोग लोन जो है कई तरीके से लेते हैं। ज्यादातर लोग मोस्ट पीपल टेक लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर। सम पीपल और सम फार्मर टेक लोन फ्रॉम लार्जर फार्मर। विलेज मनी लेंडर, सम फार्मर स्पेशली मिडिल एवं लार्ज फार्मर टेक लोन फ्रॉम बैंक्स। और कोऑपरेटिव सोसाइटी, कहने का मतलब जो ग्रामीण साइड में, जो रूरल साइड में जो फार्मर हैं, वो विभिन्न तरीकों से एग्रीकल्चर सेक्टर में इनपुट
खरीदने आदि के लिए विविध तरीके से वो लोन लेते हैं। कुछ किसान जो हैं बिजनेस जो ट्रेडर है उनसे लेते हैं और उनसे वो प्रोमिस करते हैं कि फसल कटाई के जस्ट बाद आपको हम इसकी पेमेंट कर देंगे, भुगतान करेंगे। वैसी स्थिति में जो कोई ट्रेडर होते हैं जिनके यहाँ से वो इनपुट खरीदते हैं, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, तो वो फिर उन्हीं के यहाँ उन्हें बेचना होता है और फिर जो है वो लोन का जो परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट कुछ भले ही कम होता है लेकिन वो बेचना होता है। कुछ व्यक्ति जो हैं लार्ज जो स्मॉलर फार्मर होते हैं, जो लार्ज एवं मिडिल फार्मर के यहाँ से वो लोन लेते हैं। जो कुछ लार्ज और मिडिल फार्मर होते हैं वो फॉर्मल सेक्टर बैंक आदि से लोन लेते हैं। कहने के मतलब लोन लेने का जो है अलग अलग अपनी अपनी व्यवस्था होती है, लोग लोन लेते हैं। नेक्स्ट लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव। सम फार्मर्स और पीपल टेक देयर लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटीज बिकॉज कोऑपरेटिव लार्ज नंबर ऑफ और मेनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर ऑर्गेनाइज इन अवर कंट्री। हमारे देश में बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑर्गेनाइज की गई है और उन कोऑपरेटिव